नमस्कार दोस्तों। अगर हम लोग आपके जो 10 नंबर के टॉपिक हैं सिंपलीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछी जा रही हैं बैंक पीओ प्री के अंदर 2017 के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे एक चीज़ हो रही है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वाड्रेटिक और एक नंबर सीरीज़ के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे साथ और भी अधिक जानकारी के लिए जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है और जो फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ जो आई थी अभी तक की जितनी भी आई हैं सारी शिफ्ट के अंदर 2 दिन के अंदर, उन सारियों के लिए तो मैं एक वीडियो अलग से बनाने ही वाला हूँ। और 5 नंबर सीरीज़ मैंने अर्जेंटली फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट की मैंने डाल चुका हूँ मैं लोग आप लोगों के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज में से एक ही आ रहा है, या तो 5 नंबर के क्वाड्रेटिक आ रही है या फिर आप लोगों की नंबर सीरीज आ रही है। इन दोनों में से वो आपकी किस्मत है कि आपके कौन सा टॉपिक आ जाता है। नंबर सीरीज भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि हर शिफ्ट के अंदर कुछ न कुछ पैटर्न के अंदर चेंज आ रहा था, ठीक है। तो उसमें एक मेजर ये चेंज था 5 मार्क्स का। यहाँ पे या तो आपको लोगों को नंबर सीरीज देखने के लिए मिलेंगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी होती है, 5 नंबर ईजिली आप लोग ग्रेप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए, ठीक है। तो नंबर सीरीज के लिए तो क्या होता है, वो पैटर्न और वो सेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 5 तो नंबर सीरीज मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। लेकिन जो बचे हुए नंबर सीरीज है ना वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में ये जो सिंपलीफिकेशन के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ये तो हो गया यहाँ पे ओवरव्यू इस लेक्चर का, ठीक है दोस्तों। तो पैटर्न चेंज हो रहा है उसका ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी अपन लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वार्टर के क्वेश्चन से। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसपे मैंने बेईमान और एक ईमानदार का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। आप लोग वो जाके जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट में मैं करने वाला हूँ। दूसरा, अगर आप लोगों को साइंस याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए मैं पहले एक आपको अच्छे से सोल्व करके दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। 5x + 6 = 0। यहाँ पे देखिएगा, इसका मल्टीपल और इससे अपन लोग मल्टीप्लाई करते तो 6 आ गया। 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 और 2 हो गया। मल्टीप्लाई के साथ में जोड़ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 3 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद में x का मल्टीपल 1 है तो उससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे तो कुछ डिवाइड नहीं होगा। माइनस, पहला साइन हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस पीछे की ओर देखेगा तो माइनस ईमानदार है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, तो ये भी प्लस ही रह जाएगा। जिन्होंने याद किया हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए 3 और 2 आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को साइन में कन्फ्यूज़न होता है वो लोग इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि साइन में कन्फ्यूज़न हो गया वहाँ पर तो बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बेईमान और ईमानदार वाला कॉन्सेप्ट है वो साइन के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई 5 नंबर का टॉपिक है। 5 नंबर के टॉपिक में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो बड़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट अपन करते हैं। देखो 18 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 54 आएगा। देखो कितना फास्ट निकालेंगे हम लोग, 54 आ गया, ठीक है। अब 54 को देखो डिवाइड करना 3 के अंदर, 3 का माइनस तो 6 * 54 हो गया 9 और 6, पहले बड़ा ही लिखना है। अब देखो पहले वाला प्लस तो हमेशा चेंज हो जाएगा तो क्या आ गया, माइनस। ये माइनस पीछे देखेगा प्लस की ओर और देखेगा बेईमान है, ये माइनस ने पीछे देखा प्लस की ओर बेईमान है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये जो 3 यहाँ पे मल्टीपल है ये इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 और +2। अब देखिएगा कंपेरिजन कैसे करते हैं उसके लिए देखो मैं बताता हूँ। आपका क्या क्या आया, +3 + 2, और दूसरा क्या है यहाँ पे -3 और +2। ये है ना, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है ये एक्स बड़ा वाई बड़ा कौन सा बड़ा, और कई बार एंड टाइम पे हम लोग साइंस में गलती कर देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अब देखो एक एक को दोनों से कंपेयर करो। देखो 3 - 3 से बड़ा है, टिक लगा दोगे ये बड़ा है। 2 से भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो टिक तो है लगाई हुई। अब 2 का देखो, अब देखो 2 और -3 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 के ये क्या है, बराबर है, तो बराबर लगा दो। अब देखो जिस साइड टिक है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया और बराबर है इसलिए बराबर का साइन आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि लेक्चर बोरिंग ना हो। ये देखो 30 और 1 के मल्टीप्लाई किया, 11 से अपने को टुकड़े करने थे तो यहाँ पे अपने जो टुकड़े आ जाएंगे वो 6 और 5 आ जाएंगे डायरेक्ट। 6 + 5 = 30,
कैसे टुकड़े की आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। पिछले वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं क्वाड का जो वीडियो डाला हुआ है, या फिर ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंटों को तो ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो चलिए 6 और 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पे साइन देखते हैं माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस पीछे की ओर देखेगा माइनस को, तो ये ईमानदार है इसलिए चेंज नहीं होगा। 6 और 5 हो गए। नीचे आते हैं 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 20 का क्या होगा, 5 और 4 हो जाएगा, 1 आना चाहिए, 5 और 4 हो गया। ये तो x की वैल्यू हो गई, और देखो y की वैल्यू मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। एक मिनट, देखो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, देखो 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4। अब देखो प्लस हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पहले वाला साइन हमेशा चेंज होता है। दूसरे वाला जो साइन होता है वो पीछे देखता है, प्लस को देखा तो प्लस बेईमान, इसलिए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं, 6 माइनस 5 से भी बड़ा और 4 से भी बड़ा। ठीक है, 5 माइनस 5 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा, तो सब बड़े हैं, तो x यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन y। समझ गए दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 4 दुनिया 8 मल्टीप्लाई किया, 8 के टुकड़े 2 से करने और प्लस माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 दुनिया 8, 4 और 2 ही हो जाएंगे इसके टुकड़े। देखो x की वैल्यू आ गई 4 और 2, 2 का इसमें क्या चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, और देखो प्लस चेंज हो गया माइनस के अंदर, और माइनस ने पीछे देखा प्लस की ओर, तो वो बेईमान था, इसलिए ये भी चेंज हो गया प्लस के अंदर। चलिए नेक्स्ट, देखो 4 5 और 4। ठीक है, तो ठीक है, तो प्लस माइनस करके तो 5 आना चाहिए, और 4 मल्टीप्लाई, तो 4 और 1 ही होगा इसका जो वो होगा, 4 और 1, डिवाइड में कुछ है नहीं। ठीक है, डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, और देखो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस पीछे देखेगा ईमानदार माइनस को, तो ये प्लस चेंज नहीं होगा, ये प्लस ही रह जाएगा। अब देखो कंपेयर कैसे करना है, देखो इनकी वैल्यू जा जाएगी -2 और +1। अब देखो -2, देखो इधर से कर लो, 4 माइनस 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है। ठीक है, 1 माइनस 2 से तो बड़ा है, और 1 के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे देखो कौन बड़ा आ गया, y बड़ा आ गया, और क्या हो गया, बराबर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो ये अपन लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, चौथा वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, चौथे वाले का मैं बता दूंगा आप लोगों को, चौथा वाला आप लोग कर सकते हैं, कि एक तो आप लोग एटलीस्ट अपनी मर्जी से करेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा, क्योंकि वो सेम है, लेकिन इसमें नो रिलेशन वाला आंसर आएगा तो मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, इसको भी कर लेते हैं अपन लोग। मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, तो यहाँ तो सिंपल हो रहा है, 8 और 2। नीचे चलिए 6 और 5, तो देखो 5 और 1 ही होगा यहाँ तो। ठीक है, 1 भाई माइनस करने के बाद में 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 1 होगा। ठीक है, तो 5 और 1 हो गया। साइन की मैं अगर बात करता हूँ तो प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस पीछे देखेगा प्लस की ओर, तो बेईमान को देख के क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नीचे की ओर आता हूँ तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस पीछे माइनस, ईमानदार को देख के क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो बात करते हैं -8 की, -8 से 5 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, तो हिसाब से तो ये बड़े हो गए दोनों। अब देखो 2 प्लस 5 से तो छोटा है, 5 तो 2 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से बड़ा कौन आ गया, 2। जब दोनों साइड टिक के साइन आ जाए, यानी कि एक कंडीशन में ये बड़ा हो रहा है, एक कंडीशन में ये बड़ा हो रहा है, तो कैसे रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो सिंपल सा ध्यान रखो, दोनों साइड जब आप टिक लगा दो अपने रूल से, तो उस टाइम पे रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका दिया गया, x² -4 = 0, यानी कि x² = 4 और x√4 होगा। ठीक है, तो x = ±2 क्या आएगा, 2 आएगा। ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर कोई भी सिर्फ +2 नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, x² = 4 दिया है तो x की वैल्यू ±2 आ जाएगी, लेकिन अगर x√4 दिया है तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +2 ही आएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x की वो आ गई +2 -2। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 20। ठीक है, तो 5 और 4 हो गया, साइन दोनों प्लस ही आएंगे, मैंने काफ़ी बार समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पे देखो 5 2 से भी बड़ा है, एक मिनट, 5 2 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, -2 भी से भी बड़ा है, तो सिंपल यहाँ पे बराबर का कोई साइन ही नहीं है, तो y बड़ा हो गया किससे, x से।
ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन से छोटी छोटी बातें थी, मैंने समझा दी आप लोगों की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। देखो यहाँ पे 80.997 यानी 81 मान सकता हूँ तो ये 9 आ जाएगा, 25 का यहाँ 25.00 है यानी 25 मान सकता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, मल्टीप्लाई भाई 121 हो गया तो 11 हो गया, प्लस 16 हो गया तो 4 हो गया, तो लीजिए जुड़ गया, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 4, तो 4 × 15 कितना आ जाएगा आपका आंसर 60 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी आंसर। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखो सबसे पहले इसमें भाग होगा ना, तो आप माइंड में भाग दे लीजिए, देखो 55 माइनस भाग दे लीजिए 23 का भाग दे लो, 23 एकम 23 आ जाएगा, 11 बचेगा 115 तो 23 × 115 तो 15 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर ये एक्स मान लो इस क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे तो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। 55 − 15 कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है। लेकिन अगर नीचे लिख लिख के बार बार में करोगे, जहाँ लिखने की जरूरत पड़ती है करिए, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो देखो 3100 आएगा ये, 3100/62 प्लस 14। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग 3100/62 + 14 ऐसे करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप लोग एक आइडिया लेके चलो, ठीक है। तो इसको 3100 माने तो इसको 60 मान लीजिए, एक बार के लिए 60 मानोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 10 × 5 = 6 ऐसे ही कुछ आएगा, 51 के आसपास आएगा। तो ये जब आप लोग एडिशन करोगे इसके अंदर, एड करोगे आप लोग इसके अंदर, तो 51 + 14 = 55 और 65 अंडरूट 65 यानी लगभग 8 के अंडरूट के बराबर, तो लगभग आंसर निकालना होता तो 8 आ जाएगा, लगभग ये 64 भी आ सकता था, ठीक है। ये 64 क्यों आता, देखो 51 से तो कमी आता ना, 62 का भाग जाता तो कुछ न कुछ कमी आता 51 से, तो वो 64 के अंदर जुड़ के फिर 8 इसका अंडरूट आ जाएगा, तो ऐसे लगभग आंसर निकालना है, फिक्स नहीं पहुँचना है। चलिएगा नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, 112 × 5/14, तो आप लोग कुछ मत करो, देखो 112 × 5/14 लिख दो, डायरेक्ट दोनों में से किसी भी एक में भाग दे सकते हो, और इधर आ जाएगा -11 और ये हो जाएगा x, यही होगा, ठीक है। तो 14 × 112 होता है, 8 × 5 = 40, 40 − 11 कितना हो जाएगा 29, तो आपका आंसर आ जाएगा 29, फटाफट निकल रहे हैं। देखो क्वेश्चन, देखो 25% of 84, 25% का मतलब तो 1/4 ही होता है, तो डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, तो 84/4/7 हो गया, ठीक है। 4 × 8 = 4, 7 × 21, ये लो ऑप्शन नंबर ए, 3 आंसर आ गया। नीचे चलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे लेक्चर्स ले चुका हूँ मैं एस बी आई की क्लास के टाइम पे, तो वो देख सकते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन की हुई है, तो उनको ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट भाग तो नहीं दे सकते ना, ठीक है, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं लेकिन एक बार एलसीएम भी लेके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको 30 मान लेता हूँ, चलो 30 माना तो ये 6 आ जाएगा, 6 माइनस किया तो 178 आ जाएगा, ठीक है। 178 × 30 कर लो, ठीक है, 178 × 30 करेंगे तो देखो 18 × 3 = 54, ठीक है, और 54 में से 6 माइनस कर दो आप लोग, ठीक है, 54 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 48, ये लो 480 + 10 = 48, 4800 के आसपास कुछ आंसर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, ये देखो 5×6 = 30, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस पास पास में हैं, तो अपन लोग एलसीएम लेके कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए दिक्कत हो सकती है, तो अपन लोग 5 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 184 के अंदर आप लोग क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करो देखो, ठीक है, और उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो ये तो 920 − 29, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 30, अब कर लो इसको 6 बार कर लो, ठीक है, तो ये फिक्स ही हो जाएगा आपका, तो ये 891 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 × 6 = 6, 6 × 54 = 5 आ जाएगा, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53, तो 5346 आंसर आ जाएगा आपका, तो 5346 का मतलब हो गया ये 5340 के आसपास आ गया, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लेक्चर का वीडियो। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, हमने एक IBPS कलर का एग्जाम आ रहा है, बाकी सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो उसके लिए एक बैच चल रहा है, आप लोग उस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और ये दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट पर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल के अंदर जानकारी के लिए। वहाँ हम आपको ऑनलाइन पूरा एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होगा आपकी तैयारी के लिए जो आपको नीडेड होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ऐसे किस किस टाइप के और वीडियो चाहिए, तो मैं उस टाइप के आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।